नमस्कार दोस्तों, अनिल ट्रेवलिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ सेक्टर 9 के गायत्री मंदिर के फील्ड में और यहाँ पे बहुत ही भव्य रूप से दुर्गा पूजा बन रहा है। दोस्तों तो आइए आप लोग को इसका पूरा वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा फील्ड है यहाँ पे और वहाँ पे पंडाल बन रहा है। और चलिए आप लोग को दोस्तों कुछ नजदीक से दिखाते हैं। आइए दोस्तों इस पंडाल के बारे में पूरा डिटेल आप लोग को बताते हैं कि यहाँ की थीम पे पंडाल बन रही है और पंडाल की लागत कितना आ रही है, पंडाल का लंबाई चौड़ाई कितना है, पूरा डिटेल आप लोग इस वीडियो में बताते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग पूजा कमेटी से बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग ये जो पंडाल देख रहे हैं, ये म्यांमार का बुद्ध मंदिर के थीम पे ये पंडाल बन रहा है और इसकी लागत दोस्तों लगभग 20 से 25 लाख रुपया आ रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ के जो कारीगर लोग हैं वो बंगाल से आए हुए हैं जो इस पंडाल को बना रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है बात करने के लिए, एक कारीगर थे वही बताए, हमको इन्फॉर्मेशन दिए। दोस्तों इस पंडाल को बनाने में लगभग 20 से 25 लाख रुपए की लागत आ रही है। आप लोग बता दो दोस्तों कि ये जो पंडाल बन रहा है ये म्यांमार में एक बुद्ध मंदिर के थीम पे ये पंडाल को बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट होगी लगभग दोस्तों 80 फीट और चौड़ाई होगी 120 फीट के करीब होगी। दोस्तों पंडाल बन के जब कंप्लीट होगा तो कुछ इस टाइप का दिखेगा पंडाल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो पंडाल का कुछ अंदर का नज़ारा देखिए, पंडाल के अंदर का बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पिछला बार जब यहां पे दुर्गा पूजा बना था तो दोस्तों वो पूरे बुकारो लेवल पे नंबर 1 हुआ था उसका पंडाल, और इस बार देखते हैं दोस्तों ऐसा ही देखने को मिलेगा इस बार भी हम लोग को। दोस्तों ये देखिए पंडाल को हम लोग साइड से दिखा रहे हैं और कुछ ऐसा दिख रहा है अभी पंडाल यहाँ का। और ये दोस्तों वो फील्ड है, यहाँ पे मेला का भी आयोजन होता है, बहुत ही भव्य रूप का मेला लगता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।